अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक बार फिर से हम कमान पोस्ट आए हैं और आपको मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जो लोग भी यहां पे आप कमान पोस्ट आना चाहते हैं ना, तो आपको यहां पे आने के लिए आप कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक वैलिड कार्ड के साथ यहां पे आ सकते हैं। तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, लेकिन यहां पे उसी टाइम के अंदर आपको यहां पे आना है, यहां पे जो भी है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करनी है, और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको यहां पे ये सब चीज़ें करके वापस चला जाना है। और भी चीज़ें ध्यान रखें कि रास्ते में कहीं आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको पहले एक चीज़ बता दी जाती है कि रास्ते में आपको कहीं भी रुकना नहीं है। तो ये चीज़ें सब आप ख्याल में रखना, दिमाग में रखना, उसके बाद आप यहाँ पे कमान पोस्ट आना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी तब यहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है जिसपे दिखाया गया है कि चकोटी कितने दूर है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें। तो सामने पाकिस्तान के साइड एक बोर्ड लगा है, फ्लैग लगा है। यहाँ से आगे सिर्फ चकोटी 2 किलोमीटर है। तो बाकी आप देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। एक बार आपको ये ब्रिज भी दिखा देता हूँ, ये कमान अमन सेतु ब्रिज। तो ये ब्रिज एक बार आप देख लो, इसका 75% जो है वो इंडिया का है और 25% पाकिस्तान का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे अब आप कमान पोस्ट आ सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत है। तो मेरे साथ कामरान और राशिक आज पहली बार आए हैं इधर कैमरा में। तो कैसा लगा आप दोनों को यहाँ पे? बहुत मज़ा, पहली बार आया हूँ मैं, मज़ा आया, जबरदस्त मज़ा आया। पाकिस्तान देखा? पाकिस्तान पहली बार देखा मैंने। तो काफ़ी अच्छा लगा इनको यहाँ पे आके। तो आप सब लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा, लिमिटेड टाइम है यहाँ से, उस टाइम के अंदर हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो चलिए आइए यहाँ पे, सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके आइए, आपको यहाँ पे आने की परमिशन मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे अब आप कमान पोस्ट विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल अब आसान कर दिया गया है। तो पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को, स्पेशली यहाँ के लोगों को भी होता था कि हम कमान पोस्ट विजिट नहीं कर पाते थे, या तो आपको TRP वगैरह बनानी पड़ती थी। लेकिन अब काफ़ी आसान कर दिया गया है, अब बस आप अपना कोई भी वैलिड ID कार्ड लेके आ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आधार कार्ड लेके आते हैं, तो आधार कार्ड यहाँ पर आपका चेक किया जाता है, उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाता है कमान पोस्ट विजिट करने का। लेकिन कुछ ही लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको वहाँ पे जाके फोटोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करके फिर आपको वहाँ से वापस आना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि रास्ते में आप जब कमान पोस्ट से वापस निकलेंगे या यहाँ से कमान पोस्ट की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में कहीं पर भी ना रुकें, क्योंकि फिर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। हर जगह कैमरे लगे हैं, तो आपकी गाड़ी का नंबर इजिली कैच हो जाएगा। अच्छा रहेगा कि आप सीधा जाएं, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं कमान पोस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर करें, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लें, थोड़ी मेमोरीज बना लें, फिर वहाँ से सीधा आप आएं। और इस्लामाबाद साइड आप रुक सकते हैं, वहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, बस फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे अब आप कमान पोस्ट जा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों में से कोई इन दिनों कमान पोस्ट विजिट किया है किसी ने, तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।